ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और सबके लिए है जो इस टाइम देख रहे हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और ओवरऑल एनर्जी कैंसेरियंस के लिए क्या रहने वाली है एंड फॉर क्रॉस वॉचर्स एज वेल। ओके, तो क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, ओह सो इट्स अबाउट क्लैरिटी। कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको धीरे धीरे या इस हफ्ते। ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ पे सिक्स यू नो आई चक्र है, दैट इज़ द यू नो चक्र ऑफ क्लैरिटी या इंट्यूटिव पावर्स जिसे हम कहते हैं, सिक्स्थ सेंस। ओके, आपको नज़र आ रहा है कुछ, आपको दिख रहा है यू नो कि ये वर्क करने वाला है या नहीं करने वाला। रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस, जॉब, एनीथिंग, ठीक है। किसी बात को लेके मान लीजिए कि आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, आपको कुछ सेंस लाइक इट्स अबाउट गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, कि कुछ चीज़ है आपको अंदर ही अंदर ये चीज़ बोल रही है कि हाँ ये करना चाहिए, क्या ये सही होगा कि नहीं होगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। ओके, चलिए ये तो ओवरऑल एनर्जी हो गई, ठीक है, फॉर एवरी वन जो भी देख रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। अब हम आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं। ओके, सो रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें कैंसेरियंस के लिए, सो करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि चीज़ें थोड़ी हॉट एंड कोल्ड हैं। ओके, और आई थिंक इट्स अबाउट कॉल और अ मैसेज, और यू नो थोड़ा सा आप लेट बैक हैं, थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं कि आपको लगता है कि अपने आप कोई कॉल करेगा तो करेगा, यू आर नॉट गोइंग टू, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। यू नो थोड़ा सा अपने उसमें है लाइक कमिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन, ऐसी वाली एनर्जी है। और वैसे अगर आपकी एनर्जी देखें, आई थिंक बहुत स्लो एनर्जी है, थिंग्स आर गोइंग वेरी स्लो। अगर लव लाइफ की बात करें, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग चल रही है हरमिट, इट्स अबाउट एक एक कदम फूक फूक के रखा जा रहा है। ओके, कि नहीं यू नो मतलब, और वेट कर रहे हैं, तो कोई एक्शन नहीं है आपकी तरफ से, कुछ नहीं है, इट्स अबाउट जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग फॉर योर विश फुलफिलमेंट, वेटिंग, जस्ट वेट कर रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है, फूल कार्ड है हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ के लिए इट्स अबाउट खुद पे ही सेल्फ वर्क करना, और खुद के, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इट्स अबाउट कि वो स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लाइक कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी है या कुछ भी है, ये स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, ब्राइट हैं, ठीक है। सन एज अ सन, इसका मतलब बहुत क्लियर क्लियर इंटेंशंस हैं इनकी, कि ये क्या चाहते हैं कि मतलब यू नो कि आप इस रिलेशनशिप को लेके। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको लेके मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो कम्युनिकेशन का वेट किया जा रहा है, या हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, वो चीज़ है। क्योंकि यहाँ स्लो एनर्जी आपकी साइड से भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर अभी थोड़ा बिजी हैं, अपने अपने काम में फोकस्ड हैं, तो क्या ये आपको रीच आउट करेंगे, देखें। ओके, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट एंड ड्रॉन है, और हो सकता है बीच में कोई और भी है कैंसेरियंस। ओके, मान लीजिए कि कुछ लव, ऐसी कोई रिलेशनशिप कुछ भी चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि देर आर थिंग्स, यहाँ पे भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, और यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब होता है समबडी वेरी प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल। ये पर्सन ना फूक फूक के, ये भी जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, लाइक नॉट इमोशनली, कि इमोशनल होकर डिसीजन लेने वालों में से नहीं है अभी ये, ठीक है। अगर आपके पार्टनर हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो बात अलग है। तो रिजिड, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड है, तो इसका मतलब रिजिड है, ठीक है, कि मतलब स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ, वो वाली एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी हैं, बट हाँ एक पैशनेट फीलिंग है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक वो रह चुका है, यू नो एक रिश्ता रह चुका है, तो दैट। बट ऑफ कोर्स यहाँ थ्री ऑफ कप्स है, इसका मतलब है, कहते हैं ना,
टू इज़ अ कंपनी, थ्री इज़ अ क्राउड, मैं हमेशा कहती हूँ. तो वही वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कि यस कोई बीच में कोई और भी है. तो उस वजह से ये रिलेशनशिप जो है, ऑफकोर्स यहाँ पे वो चीज़ें हैं लवर्स एनर्जी. तो इसका मतलब ये है कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं. तो क्या ये सॉल्व होगा रिलेशनशिप? ऑफकोर्स जल्दी ही आपको, मैंने आपको बोला ना, जल्दी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन में, ठीक है. जल्दी ही आपको इस सिचुएशन में पता चल जाएगा कि क्या ये रिलेशनशिप यू नो वर्थ वेटिंग फॉर है कि नहीं है. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक अवॉइडिंग, और मे बी इट्स अबाउट यू नो कुछ है थर्ड पार्टी को लेके. चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट एल्स इज कमिंग टू इट्स कैंसेरियंस इन लव. ओके, दिस कुड बी द वन. ओके, तो गेटिंग टू नो ईच अदर. तो शायद हो सकता है कि आपको चांस देने की ज़रूरत है. कैंसेरियंस कोई नया पार्टनर है या कोई भी है, कनेक्टिविटी इट्स अबाउट कि यू नो कि दिस कुड बी द वन. तो आपके जो पार्टनर हैं, जो लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं, आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं. एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपके अंदर की जो भी आप जैसा फील करते हैं एक दूसरे के लिए, तो आपको वो कम्युनिकेट करना चाहिए. हमारे पास यहाँ पे पैशन आ रहा है, इसका मतलब है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं. इसका मतलब है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं. ओके, तो अगेन मैं रिपीट करूँगी, एनर्जी कैंसेरियन की साइड से भी हो सकती है, ठीक है, कि होल्ड बैक करना. एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ऑफकोर्स थर्ड पार्टी है या आप एक्स में से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं. तो रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है, या फिर कुछ के हो सकता है एक्स एनर्जी है, थर्ड पार्टी एनर्जी है. और इसका मतलब ये भी होता है कि पुरानी बातों को भी भूल जाइए, ठीक है, जो हो गया सो हो गया. तो पुरानी बातों को भी भूलना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमारे पास वो एनर्जी भी आ रही है. सो आई थिंक यू शुड मूव फॉरवर्ड. जो लोग मतलब टोटली सिंगल है, उनके लिए तो है कि रिलीज द एक्स एनर्जी, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, आगे बढ़ो. जो लोग मैरिड हैं तो फिर बी क्लियर, बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर, बोथ दोनों, ठीक है, ऑनेस्ट रहिए अपने पार्टनर के साथ कि आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्या चाहते हैं, ठीक है. तो एक दूसरे को टाइम दीजिए और मतलब और ज़्यादा अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसको भूल जाइए और आगे की तरफ बढ़िए. एंड इन लव रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है, अगेन यहाँ पे मुझे एक सोलमेट एनर्जी भी आ रही है कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, बट थर्ड पार्टी इट्स अबाउट कि आपको बिल्कुल क्लियर होने की ज़रूरत है कि व्हाट यू वांट और क्या चाहते हैं आप. ओके, सो इट्स अबाउट डिसाइडिंग, यू नो डिसाइड कि क्या करना है. तो है बट लेकिन ऐसा लगता है कि यस ऑलरेडी यू हैव मेट द पार्टनर, या ऑलरेडी आप मिल चुके हैं, कोई आसपास ही है आपके अराउंड, एंड यू कैन फील द एनर्जी, ठीक है. ये कैंसेरियंस के लिए हमें दिखाई दे रहा है. चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट. ओके, सो कहते हैं ना भगवान आप पे मेहरबान है, हो सकते हैं, या हायर अथॉरिटीज. ओके, तो जहाँ आप काम करते हैं तो इसका मतलब आपको पर्क्स मिल सकते हैं, और या फिर हो सकता है कि गुड एनर्जी हमें एट वर्क फ्रंट, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है पार्टनरशिप गोल्स कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, इट्स अ गुड एनर्जी. ओके, और हो सकता है चीज़ें जो स्टक थी, आई थिंक वो यू विल कम आउट ऑफ इट, वो वाली एनर्जी है. और कोई चीज़ें हैं फैसिनेट कर रही हैं आपको, अपनी तरफ खींच रही हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, मल्टी टास्किंग करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि जो भी जितना भी क्या बोले उसको, कि जितनी भी हार्डशिप्स हों लेकिन आप उनको फेस कर रहे हैं, ठीक है. यू आर वेरी गुड एट, कि आप किसी को बता नहीं रहे हैं, एंड यू आर डूइंग योर वर्क, जो भी है मल्टी टास्किंग है, जो भी है सब कुछ हैंडल कर रहे हैं. और भगवान कहते हैं ना, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं. तो जब आप खुद की मदद कर रहे हैं तो आई थिंक अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट. द वर्ल्ड इट्स अबाउट यू नो अचीविंग समथिंग, और लाइक कुछ जैसे कुछ मिल गया है, और मे बी इट्स अबाउट चेंजिंग. बहुत चीज़ें चेंज हो सकती है करियर में. वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट साइकिल इज एंडिंग, चेंज. तो जल्दी ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एक और चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, एंड आप फ्री महसूस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक फाइनेंसेस, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, या जैसे भी यू नो यू मे फील वेरी गुड एंड हैप्पी इनसाइड आउट. तो लाइक या कुछ चेंजेस आ रहे हो, सो एनीथिंग. तो रेडी रहिए भाई, अच्छी एनर्जी है कैंसेरियंस के लिए. ओके, ब्राइट फ्रेश एनर्जी है. चलिए अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है. व्हाट्स द गाइडेंस?
अगेन हमारे पास यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है, ठीक है, इसका मतलब है कि चेंजिंग, जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो आपको खुद को भी चेंज करने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि यही आपके लिए ब्लेसिंग है और यही एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि एक एनर्जी फ्लो कर रही है और आप भी चेंज होते जाइए जैसे जैसे मौसम बदलते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ कि मतलब यू नो, कभी कभी खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, उन केसेस में कह रही हूँ मैं कि खुद को चेंज करना ज़रूरी होता है. तो वहाँ समझिए कि कहीं आप जिद्दी तो नहीं हो रहे, कहीं आप रिजिड तो नहीं हो रहे, कहीं आप यू नो कीप मूविंग फॉरवर्ड. जैसे ये कहते हैं कि पतझड़, सावन, बसंत, बहार, कितने तरह के मौसम होते हैं, सृष्टि है, ठीक है, सुबह धूप है, रात को छांव है, तो ऐसे ही सब कुछ बदलता रहता है. एंड आपको भी अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है, और अगर अपने आप को चेंज करेंगे तो आई थिंक यू विल कनेक्ट विद द डिवाइन एंड यू विल गेट द ब्लेसिंग. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर.